successful. We are going to discuss towering figure of Victorian age, Charles Dickens, the great novelist of the Victorian age. Let's discuss. अगर आपने कोई लेक्चर आपने सुनना है स्पेशली हमारे चैनल से, आप ऐसा करें कि ये बार पर जाएं, वहाँ लिखें, ये मैंने लिखा है टेल ऑफ द टू सिटी, तो इसमें देखें ये मेरे नाम मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर बड़े डिटेल में, और ये मैंने पीपीएससी के लिए ही खास तौर पर लिखे हुए हैं। ये जो नीचे लेक्चर पढ़ा हुआ है, ये जब आयशा मुझसे पहले पढ़ती थी, इसे पता होगा, ये मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किया था हमने, ये वाला, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड हैं रिसेंटली, एम ए इंग्लिश के लिए भी हैं ये, ठीक है, और ये किसके लिए हैं, पीपीएससी के लिए भी हैं, इवन के सीएसएस इंग्लिश में भी ये यूज़ होते हैं। तो आप इनको सुने, ये आप लोगों के लिए मैं अपलोड करता हूँ, और किसी के लिए तो नहीं कर रहा। तो ये सुने और उसके बाद बर्चेस्टर टावर सुने, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, इसका स्नैपशॉट ले लें, एक मिनट में लिख देता हूँ। आप ऐसा करें, बर्चेस्टर टावर सुने, ठीक है, विक्टोरियन नॉवलिस्ट है ना, आप जेन ऑस्टन को सुने, ये मैंने रिसेंटली अपलोड किए, ठीक है। जॉर्ज एलियट को सुने, लिखें उसका नाम, एडम बीट लिखें, मैं आपके सामने आऊँगा। आप यहाँ पे लिखें जाकर जेन ऑस्टन को, और उसके बाद अभी मैंने दिया टेस ऑफ डियर बेबल का लिखें, टेस का लिखें, टेस बाई सर रामा हार्डी आ जाएगा आपके सामने, रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक है, टेल ऑफ द टू सिटी, ये आपके सामने आया हुआ है। तो इस तरह ये सारे नावलिस्ट जो हैं विक्टोरियन एज के हैं, हमारा सिलेबस है ये। इसको ज़रा सुने और मुझे बताएं और कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर मैंने ये सुने, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ये सारे। सो यू आर फ्री टू लिसन ऑल दीज लेक्चर्स। अच्छा, ये पैदा हुए हैं चार्ल्स डिकन की थोड़ी सी लाइफ देख लें। चार्ल्स डिकन जो हैं वो पैदा हुए हैं 1812 में पैदा हुए हैं, कैंट एक प्लेस है इंग्लैंड की, और 1870 में इनकी डेथ हुई है। बोर्न पुअर फैमिली, ही वॉज अ सेकंड ऑफ एट चिल्ड्रन, ठीक है। और इसके फादर जो हैं वो जेल में रहे हैं, तो ये क्या करता था उस वक्त, ये क्लर्क थे इसके फादर, और मोस्टली जो है वहाँ पे रूल था कि अगर कोई किसी को सजा होती तो उसकी फैमिली भी साथ जो है वो भी चली जाती, तो ये एक एक्सक्लूडेड था। ये फिर मेहनत करता रहा और अपने फादर की मुलाकात पे भी जाता, तो इसलिए चिल्ड्रन का और जेल का सीन जो है वो हमेशा दिखाता है, बैकग्राउंड पे रखता है। सो चार्ल्स डिकन्स कैरियर स्टार्टेड इन 1833 एज अ जर्नलिस्ट, तो पिकविक पेपर इसने लिखा, पहला इसका नावल है। फ्यू ईयर्स लेटर वर्क द टू मेजर लंडन न्यूज़पेपर, कनेक्शन ऑफ द वेरियस मैगजीन न्यूज़पेपर गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग पब्लिशिंग हिज ओन वर्क। ही वॉज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट, यानी एक सक्सेसफुल राइटर था, और इससे अपने बैकग्राउंड में क्या रखता, एक बच्चे की सफरिंग रखता, ठीक है। अगर आप इसके नावल को पढ़ें तो वो सफरिंग दिखाता है बच्चे की, कि बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है, तो उस वक्त ये उसके वर्क हैं, मैं आपको यही बस बताना चाह रहा था। पिकविक पेपर जो है उसने 1836 में लिखा है, ओलिवर ट्विस्ट जो है 1837 में लिखा है, टेल ऑफ द टू सिटी जो हमने पढ़ा हुआ है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, मिस्ट्री ऑफ द एडवर्ड ड्रूड और एडविन ड्रूड्स, और उसके बाद क्रिसमस कैरल 1843, और मार्टिन चिजलविट 1843, और डोम्बेस एंड सन 1846, डेविड कूपरफील्ड 1849, प्लीक हाउस 18